Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello my dear viewer. Welcome to my channel Query Solver. And I am your educator. And today I am going to teach you root word. And today root word is philophile. It means love. That's like somebody likes something, person, things. And other things, it's used for love. So today first word is phlomath, means one who loves to learn. बेटा ये वर्ड यूज़ किया जाता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो चीज़ों को सीखने का शौकीन होता है या उसे नई नई चीज़ें सीखने में अच्छा लगता है, उसे प्यार होता है ऐसी नई नई चीज़ों सीखने से, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ये फर्स्ट वर्ड phlomath. नेक्स्ट वर्ड इज Phlegmist, यानी लवर ऑफ मैन, यानी कि मानव प्रेमी. ऐसा व्यक्ति है इसको मानवों से बहुत ज़्यादा लगाव है या प्रेम है, उसके लिए यूज़ किया था ये वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज phlogynist. गायनिस्ट वर्ड जो यूज़ किया था बेटा, ये यूज़ किया जाता है फॉर लेडीज. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो मैंने दो वीडियो अपलोड किए हैं, कि गायनिस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है फॉर लेडीज, यानी लव फॉर वुमेन. उसको लगता है कि इस दुनिया में सबसे जो ज़्यादा प्यार की चीज़ है वो सिर्फ औरत है, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है phlogynist. नेक्स्ट वर्ड इज canophile, यानी कि लवर ऑफ डॉग. बच्चों जिसको कुत्तों से ज़्यादा बहुत लगाव होता है, उसे कुत्ता पालने में बहुत ज़्यादा, कुत्ते बहुत प्यारे लगते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है canophile. और बेटा यहाँ पर जो कैनो वर्ड यूज़ किया गया है, ये यूज़ किया जाता है आपका फॉर डॉग. नेक्स्ट वर्ड इज philphic, मींस लवर ऑफ हॉर्स, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको घोड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है या लगाव है. बेटा यहाँ पर जो hippic वर्ड यूज़ किया गया है, ये यूज़ किया गया है फॉर हॉर्स. नेक्स्ट वर्ड इज philologist, यानी लवर ऑफ वर्ड. जैसे कि किसी व्यक्ति को नई नई चीज़ें, यानी नई नई भाषा या नए नए वर्ड सीखने की जिसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जिसे बहुत अच्छा लगता है सीखना, उसके लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड आपका philologist. नेक्स्ट वर्ड इज phlogism. Phlogism यानी कि लवर ऑफ रिलीजन. कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे पूजा पाठ में या भगवान से जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगाव होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है ये आपका वर्ड. सो गाइस नेक्स्ट वर्ड इज philanthropy. philanthropy यानी लवर ऑफ ब्रदर, यानी ब्रदरहुड, यानी जैसे अपने भाई भाई बंधुओं से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ऐसे व्यक्ति के यूज़ किया जाता है यह वर्ड. जैसे युधिष्ठिर को अपने पांडव जो ब्रदर थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम था, उनके लिए यूज कर सकते हो आप ये वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज phlogist. phlogist यानी लवर ऑफ स्टाम्प कलेक्शन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको टिकट, जो स्टाम्प पेपर पे जो टिकट लगाए जाते हैं उनको कलेक्ट करने का उससे बहुत ज़्यादा लगाव होता है. नेक्स्ट वर्ड इज anglophile, लवर ऑफ इंग्लिश, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती है. बेटा यहाँ पर जो एंग्लो वर्ड यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है फॉर इंग्लिश. नेक्स्ट वर्ड इज retrophile, यानी लवर ऑफ पास्ट, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे अपने पास्ट से या हिस्टोरिकल चीज़ों से या अपनी लाइफ से जो भी पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है. बेटा यहाँ पर जो रिट्रो वर्ड यूज़ किया जाता है, यह यूज़ किया जाता है आपके फॉर पास्ट. नेक्स्ट वर्ड इज necrophile, लवर ऑफ डेथ. बेटा जो necro वर्ड यूज़ किया गया, यह यूज़ किया गया आपका फॉर डेथ, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मृत्यु से बहुत ज़्यादा लगाव है कि भाई मुझे तो मरना है, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हो आप इस वर्ड को necrophile को. नेक्स्ट वर्ड इज phlomys, यानी लवर ऑफ म्यूजिक. कोई ऐसा व्यक्ति है इसको गाने सुनने का बड़ा शौक होता है. नेक्स्ट वर्ड इज heliophile,
यानी लवर ऑफ सनलाइट। बेटा यहाँ पर जो ही वर्ड यूज़ किया गया, ये यूज़ किया गया फॉर सनलाइट, यानी कि जिसको सूरज की रोशनी बहुत अच्छी लगती है। जैसे मॉर्निंग में जैसे सूरज निकलता है तो सुबह सुबह जिससे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो सुबह सुबह जो धूप लेते हैं उनके लिए वर्ड आप ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज वाइबली फाइल। वाइबली यानी लवर ऑफ बुक्स, यानी कोई ऐसे व्यक्ति जिसको बुक्स को इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, बुक्स को पढ़ना, बुक्स लिखना, यस जिसको इन चीज़ों से लगाव होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है आपका वाइबली फाइल। नेक्स्ट वर्ड इज फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी लवर ऑफ मैनकाइंड या वुमन, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो पूरी मानव जाति से जो प्रेम करता है, यानी मानव प्रेम ही होता है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप इस वर्ड को फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज पेडियोफाइल, यानी लवर ऑफ चिल्ड्रन। बेटा यहाँ पर जो पेडियो वर्ड यूज़ किया गया है, ये यूज़ किया जाता है आपका फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट वर्ड इज जोफाइल, यानी लवर ऑफ एनिमल। बेटा ये यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है आपका जू वर्ड यूज हम वैसे भी करते हैं। यहाँ पर ऐसे एक ये जगह होती है, यहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं या जंगली जानवरों को यहाँ पर रखा जाता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, यानी जिसे जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, एनिमल से, उसके लिए यूज़ किया जाता है आपका जूफाइल। नेक्स्ट वर्ड इज डेंड्रोफाइल, लवर ऑफ ट्रीज, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, यानी कि अपने घर में पेड़ पौधे लगाने से, फुलवारी वगैरह लगाने से, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हो आप डेंड्रोफाइल। सो नेक्स्ट वर्ड इज वॉरमोंगर। वॉरमोंगर मीन्स होता है लवर ऑफ वॉर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लड़ाई से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, यानी युद्ध में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई अब तो लड़ाई होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज पैसिफिस्ट, यानी लवर ऑफ पीस। पीस फॉर यहाँ पर जो पैसिफिस्ट में यूज़ किया गया है, ये पीस के लिए यूज़ किया गया है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको शांति से बहुत ज़्यादा रहना बहुत अच्छा लगता है, शांति से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है आपका ये पैसिफिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेट, यानी लवर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जैसा व्यक्ति जिसको प्रजातंत्र से बहुत ज़्यादा प्यार होता है कि भैया हमें कोई भी अलग शासन नहीं चाहिए, हमें तो जनता का जो शासन होता है, जनता द्वारा जो चुना जाता है, वही हमें पसंद है, तो ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हो आप डेमोक्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज गॉरमेट, यानी लवर ऑफ गुड फूड, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हो आप गॉरमेट। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रंकर्ड, यानी लवर ऑफ एल्कोहल, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे बोलते थे ना भाई तू तो बहुत ड्रिंक करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ करते हो आप ड्रंक, यानी बहुत ज़्यादा जैसे एल्कोहल से, शराब से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो नेक्स्ट वर्ड इज मशीनरी, यानी लवर ऑफ मनी, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसे के लिए काम करता है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं आप मशीनरी, यानी लवर ऑफ मनी, पैसे का प्रेमी। नेक्स्ट वर्ड इज गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज नार्सिसिस्ट, यानी लवर ऑफ सेल्फ, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे खुद से अपने आप से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा अपने आप से प्यार होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं आप नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज कॉनेसिसियर, यानी लवर ऑफ गुड टेस्ट इन आर्ट्स और पेंटिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा उसको कला वगैरह, ड्राइंग वगैरह अच्छी लगती है, तो उस व्यक्ति के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कॉन्सियर। नेक्स्ट वर्ड इज सोशलेबल, यानी लवर ऑफ सोसाइटी, यानी कोई व्यक्ति है जो समाज में रहता है, समाज में रहने वाले जो भी नियम है, कानून है, लोगों के साथ रहना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको बोलते हैं सोशलेबल। नेक्स्ट वर्ड इज थीस्ट, यानी लवर ऑफ गॉड एंड रिलीजन,
इसके लिए बेटा यूज़ और कर सकते हैं आप फ्लेथिज्म, यानी फ्लो वर्ड यूज़ करते हैं हम प्यार के लिए यानी लव के लिए, और थीज्म यूज़ किया था फॉर गॉड, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे भगवान की पूजा में और पूजा जो भी धर्म वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों में जिसको बहुत ज़्यादा लगाव होता है उसके लिए यूज़ करते हैं थीस्ट। गाइस नेक्स्ट वर्ड इज, बच्चों इससे पहले मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी इस वीडियो को और भी ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी वर्ड में तो आप डायरेक्टली आप मुझसे कमेंट बॉक्स सेशन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज़ फिलाडेल्फी, यानी लवर फॉर ऑल मैन एज ब्रदर, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सभी व्यक्तियों को अपना भाई की तरह मानता है, कहता है कि भाई तुम सब मेरे भाई हो। जैसे इंसान ड्रिंक करने के बाद बोलता है ना भाई तू तो मेरा भाई है, सेम यही होता है, लेकिन यहाँ पर ये बोला है फिलाडेल्फी यानी सबको अपने भाई जैसा मानता है कोई व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोडेमिक, यानी लविंग द पीपल, जो मनुष्यों से प्रेम करता है उनकी बातों से। नेक्स्ट वर्ड इज फिलडॉक्स, यानी वन हु लव द ओपिनियन ही हिमसेल्फ होल्ड्स, यानी अपने विचारों से जो प्यार करता है, इस वर्ड इस ऐसे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं हम फिलडॉक्स। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोग्रेंट, फाइलोजेंट, ई लवर ऑफ ऑल गुड थिंग्स, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सभी जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा उनसे प्यार होता है, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है। नेक्स्ट वर्ड इज फिलोटेक्निस्ट, यानी ई लवर ऑफ द पार्टिकुलर आर्ट, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी भी एक विशेष क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उसे लगाव होता है, बहुत ऐसी चीज़ों से इन्वेंशन से खोजों से बहुत ज़्यादा उसे लगाव होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है ये फ्लोटेक्निस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज फिलोलॉजिस्ट, यानी ए स्टूडेंट स्कॉलर एंड लवर ऑफ लैंग्वेज, बेटा ये वर्ड यूज़ किया जाता है, पर लॉजिस्ट मीन्स क्या होता है कुछ तर्क यानी कुछ समथिंग न्यू, ये वर्ड यूज़ किया जाता है ए स्टूडेंट, कोई भी जो छात्र वगैरह होते हैं या कोई ऐसे व्यक्ति जिसको लैंग्वेज पढ़ने में समझने में या कोई भाषा का शास्त्री होता है जिसे भाषाओं का ज्ञान होता है ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड आपका फिलोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज फिल हारमोनिक, लविंग हारमोनिक डेवोट द म्यूजिक, बेटा जो हारमोनिक वर्ड यूज़ किया जाता है ये यूज़ किया जाता है आपका फॉर म्यूजिक, यानी कोई ऐसा व्यक्ति इसे संगीत प्रेमी बोल सकते हो आप, इसे संगीत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे संगीत सुनना पसंद है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हो आप इसे फिल हारमोनिक। नेक्स्ट वर्ड इज क्राइफाइलिक यानी कोल्ड क्लाइमेट ऑब्जेक्ट एंड लो ऑफ टेम्परेचर, यानी कि कोई भी व्यक्ति है ऐसी जगह से ऐसी जलवायु से या कोई ऐसी चीज़ों से जिनका जो लो टेम्परेचर होता है, जैसे समथिंग समबडी लाइक आइस, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज टेक्नोफाइलिया यानी लवर ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है, नई नई चीज़ें खोजना। सो नेक्स्ट वर्ड इज फिलोसॉफी यानी लवर ऑफ विजडम, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिद्धांतों से प्रेम करता है, यानी उसे सिद्धांत और जो नियम कानून होते हैं उसे वही पसंद होते हैं, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं ना ज़्यादा फिलोसॉफी मत, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सिद्धांतों से प्रेम करने वाला होता है। नेक्स्ट वर्ड इज फिलोलॉजी यानी लवर ऑफ या लवर ऑफ वर्ड्स, यानी कोई ऐसा व्यक्ति, लॉजी यूज़ किया जाता है फॉर स्टडी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वर्डों को सीखने में और वर्डों को जानने में बहुत ज़्यादा लगाव होता है, प्रेम होता है। सो गाइस आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।